लॉकडाउन खुलते ही गुंडों के हौसले बुलंद हो गए हैं। गुंडागर्दी का ऐसा ही एक मामला गुरुवार शाम को प्रकाश नगर में देखने को मिला। यहाँ हिस्ट्री शीटर बदमाश मुकेश भदाले व उसके साथियों ने मिलकर पत्रकार कैलाश सिसोदिया और उसके परिजनों को घर में घुसकर पीटा। पत्रकार कैलाश सिसोदिया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया। दरअसल विवाद कचरा फेंकने को लेकर हुआ। मुकेश भदाले व उसका किरायेदार आए दिन पत्रकार के घर के पास में कचरा फेंकते रहते हैं। इसी बात का विरोध करने पर मुकेश भदाले ने अपने किरायेदार व अन्य साथियों के साथ मिलकर पत्रकार कैलाश सिसोदिया व उसके परिजनों पर घर में घुसकर हमला बोल दिया। घटना की जानकारी लगते ही थाना नीलगंगा प्रभारी कुलवंत जोशी मौके पर पहुंचे और घायल पत्रकार को इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा। वहीं दूसरी ओर मुकेश भदाले, उसके साथी व किरायेदार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं मुकेश भदाले की एक बाइक व कार जब्त कर थाने भेज दी गई है। और यहाँ पे किरायेदार रहते हैं नाले के ऊपर, और यहाँ मकान पे नाले के ऊपर कब्जा कर रखा है, नल कनेक्शन पे कब्जा करा, लाइट अभी लाइट जला रखी है, और ऊपर से वो कचरा फेंक रहे थे। तो मेरे बेटे ने बोला कि कचरा मत फेंको, तो उन्होंने हमला कर दिया। कौन कौन, किन लोगों ने हमला करा? चाय वाला, उसके भाई का छोरा, और उसका बाबू गंडे, बाबू का भाई, बाबू का छोरा, ये 8-10 लोगों ने हमला करा। छह जने थे, 6-7 जने। किस किस को लगी है? मेरे को, मेरी बहू को, सर के सर पे, ये उंगली अंग भंग कर दिया, उंगली काट दी मेरी, ये उंगली काट दी हमने, और ये मेरा भेज है, और वही पत्रकार उज्जैन में, और ये मैंने उंगली काट दी, उनके चार वालों ने हमला कर दिया, और ये यहाँ पे यहाँ कचरा फेंक रहे थे घर के सामने, और ये मना करा ऊपर से बैठे ना, तो सब सबका था। भाई अभी करंटली में कोई वाद विवाद हुआ है जिसमें पुलिस की टोली आई है, उसमें पुलिस ने एक वाहन और एक टू व्हीलर भी जब्त किया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये कि प्रकाश नगर में जो मुकेश भदाले है, जो यहाँ का आदतन गुंडा है और हिस्ट्री सीटर भी है, उसके किरायेदार ने अपने जो पड़ोसी हैं कैलाश सिसोदिया, उसके साथ मारपीट की है और दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई है, तो जिससे कैलाश के ऊपर इनके किरायेदार के साथ 5 पक्षों में, जिनके नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, उन लोगों ने ईंट और पत्थर से हमला किया, जिससे कैलाश के पुत्र के सिर में और कैलाश के हाथ में चोट लग गई है। तो ये घटनाक्रम जैसे पता चला तो TI नीलगंगा कुलवंत जोशी साहब तुरंत आ गए, उन्होंने मुझे सूचित किया, हम लोग आकर इधर सर्चिंग की गई, तो सर्चिंग में कोई अभी मिला नहीं, भाग गए, और जो मुकेश भदाले है उसके जो वाहन है बुलेट और एक गाड़ी, तो वो जब्त की जा रही है, और बाकी जैसे FIR हो जाती है, अभी घायलों का इलाज चल रहा है, तो वैसे आपको सूचित कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से मुकेश भदाले का नाम आ रहा है, इसका क्या इतिहास है, पुलिस डायरी में क्या कहते हैं? जो कैलाश भदाले है तो ये आदतन अपराधी है, मुकेश भदाले है, सॉरी, वो आदतन अपराधी है, और ये भय व्याप्त करके रंगदारी वसूली, लोगों को डराना, इस तरीके के अपराधों में पूर्व से संलिप्त है। इसका मकान भी अवैध है, जिसमें प्रशासन ने पिछले दोनों ही कार्रवाई की है, और मकान में भी तोड़ फोड़ की है। यदि गिरफ्तार होगा तो किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस करेगी? अभी तो मेडिकल रिपोर्ट होने के पश्चात FIR देखी जाएगी, FIR मेडिकल रिपोर्ट में जो आती है उस आधार पर उस पर धाराएँ बढ़ाई जाएगी। अभी तो मारपीट और गाली गलौज और है ना, घर में घुस के मारना, 452, 294, 506 का मामला है, और यदि मेडिकल के बाद रिपोर्ट है, वो चोटों के प्रकार के आधार पर FIR बढ़ा दी जाएगी।